शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि जहां जहां सियासत खुद धार्मिक मसलों को पैदा करे, समझो देश को गलत लोग चला रहे हैं। दिल्ली के किराड़ी के कपड़ा गोदाम में आग लगने से 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 6 अन्य लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारसी पर सार्वजनिक रूप से गृहमंत्री के रूप में विपरीत बयान दिया। नारसी पर उनकी और मोदी की टिप्पणियां सभी के सामने हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मंगलौर में हुई हिंसा में मारे गए 2 लोगों के मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा ने जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। गडकरी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए दुष्प्रचार करने का भी आरोप लगाया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिल्ली से भोपाल की एक फ्लाइट में सीट के चक्कर में यात्रियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजधानी दिल्ली के बाद दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के एसी दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अजय यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। अमरोहा में उपद्रव फैलाने वाले उपद्रवियों का फोटो पोस्टर के माध्यम से अमरोहा पुलिस ने चस्पा करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत जगह जगह उपद्रवियों के फोटो लगाए जा रहे हैं। कानपुर में 2 दिन चले बवाल के बाद अब इलाकों में शांति रही। इस दौरान हलीम कॉलेज में कुछ भीड़ इकट्ठा होने की सूचना पर आईजी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। कानपुर के भरा थाना क्षेत्र में मामले विवाद में पुत्र ने अपने ही पिता को हत्या मारकर हत्या कर दी। पहुंची थाना पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। जौनपुर में पुलिस द्वारा छोड़ा जा रहे अभियान में पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्नाव में 16 दिसंबर एसपी ऑफिस गेट के बाहर खुद को आग के हवाले करने वाली रेप पीड़िता ने हालांकि अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। महाराजगंज में सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करों के द्वारा इन दोनों अंधाधुंध नेपाल से भारत तस्करी की जा रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 5 से 6 लोग दिख रहे हैं। एएमयू में हुए बवाल के बाद एसएसपी आकाश कुलहरी ने कबूला कि वायलेंस दोनों ही तरफ से हुआ, टीचर स्टाफ द्वारा की बैठक से आपसी सामंजस्य बैठेगा। नागरिक संशोधन बिल को लेकर झांसी में जिलाधिकारी शिव सहाय व सीएसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह दिन भर नगर भ्रमण करते रहे। फतेहपुर के मलबा थाना ओम फिलिंग स्टेशन में तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व टीम ने पेट्रोल पंप को सीज करते हुए कार्रवाई की है। अमेठी के रुसन्नी में पुलिस के 669 नए आरक्षियों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण के महानिदेशक सुजानवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रायबरेली के जिला अस्पताल के नेत्र सर्जन ने ओटी इंचार्ज और जिला अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंख के ऑपरेशन के लिए सामान नहीं दिया जाता। बागपत में लोन पास न कराने से नाराज एक शख्स ने बैंक एजेंट पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया, से सीएससी भर्ती कराया गया है। अवन की ओर लौटा सीतापुर जिला में पत्थर के बाद शांति का माहौल देखने को मिला। ड्रोन में से रखी जा रही है जिले में नजर। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 इनामी बदमाश को लगी गोली, फायरिंग से एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में घर में खाना सब बनाते समय अचानक गैस के सिलेंडर से आग लगने से हड़कंप मच गया। समय रहते सिलेंडर की आग पर काबू पा लिया गया। बलरामपुर में 5 बड़े तालाबों में मत्स्य पालन पट्टे में बड़ा घोटाला, गुप्त तरीके से निपटाई गई नीलामी प्रक्रिया, एसडीएम ने बोलने से किया इंकार। मुरादाबाद में पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, शटिंग के दौरान पटरी से उतरे डिब्बे, हादसे के समय ट्रेन में नहीं थे यात्री। बाद में जसपुरा थाना क्षेत्र के गड़रिया ग्राम पंचायत में गांव में पानी भर जाने से गंदगी फैल रही है। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारी को पत्र देकर अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रेंगी।
तारबेहट के स्थानीय कस्बे में बदमाशों ने दुखसहायक लूटपाट की घटना को बंदूकों के दम पर अंजाम दिया। बदमाशों ने हवाई फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई। इस कड़कड़ाती ठंड में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव दीवाल के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि नए कमरों के निर्माण की फाइल पीडब्ल्यूडी में धूल फांक रही है। मैदानी इलाकों में भी ठंडक ने दस्तक दे दी है। अचानक ठंड बढ़ने के कारण अस्पतालों में भी रोगियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर हुई मौत। कानपुर के बिठूर इलाके में फार्म हाउस में किशोरी की हुई हत्या पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किशोरी की हत्या उसके भाई ने ही की थी। हरदोई में लेखपालों पर प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसकर लेखपाल संघ नेताओं को निलंबित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैनपुरी में एक दुकान में घुसकर तीन नामजदों और चार अज्ञात युवकों की जमकर मारपीट की और एक युवक को पीट पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में किशोरी की मौत। फार्म हाउस में मिला कर्मचारी की बेटी का शव। मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालय छुतायन में अनुसूचित जाति के छात्र द्वारा आलू काटे जाने पर स्कूल ने कार्य तो दोनों रसोईया बिना मिड डे मील तैयार किए चली गई। प्रयागराज की डूडा कॉलोनी के हर गली में गंदगी का अंबार, अधिकारियों को नहीं जा रहा गंदगी की तरफ ध्यान। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते बाइक सवार बदमाशों ने प्रधान को गोली मारी, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। अयोध्या में बाइक दोनों से लापता युवक की हत्या, नाराज ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हमीरपुर जिले में ठंड की दस्तक से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तेज घना कोहरा और सर्दीली हवाओं से तापमान जहां नीचे गिर गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है।